गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा शुरू की थी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था पहले कि किस प्रकार से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है। अब हम इस वीडियो में आगे के फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम टेम्परेचर। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो सामान्यतया टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, और एक अनुमानिक निष्कर्ष के अनुसार अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगभग 2 गुनी या 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जैसे NO2 का फॉर्मेशन, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। इस रिएक्शन के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो दो तापों के अंतर यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक का जो अनुपात है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट। ठीक है, यानी कि माना कि दो ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिनके वेग नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट K25 और K35 है। ठीक है, तो इनके लिए टेम्परेचर कोफिशियंट क्या आएगा, K35/K25=2:3 होगा। ठीक है, तो अधिकांश अभिक्रियाओं हेतु इसका मान 2 के करीब होता है। ताप वृद्धि के साथ वेग में वृद्धि को संघटवाद यानी कि टक्कर सिद्धांत के द्वारा हम आसानी से समझा सकते हैं, जिसकी स्टडी हम आगे के वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में सभी अणु जो है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल वे ही अणु जिनके पास परस्पर संघट हेतु यानी कि टक्कर हेतु मिनिमम एनर्जी होती है वे ही रिएक्शन में भाग लेते हैं। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए अणुओं के लिए जो आवश्यक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर ऊर्जा रखने वाले अणुओं के बंध ताप बढ़ाने पर टूटते जाते हैं। ठीक है, तो माना कि ताप T1 और T2 पर गैसों के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का वितरण होता है, जैसा कि हम चित्र 6.3 में शो कर रहे हैं। जो चित्र से स्पष्ट है कि जब टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ बढ़ता है तो ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें चेंज होता है, यानी कि अधिकांश अणु जो है वो अधिक ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो चित्र 6.3 से क्या पता चला कि क्षेत्रफल PQWX और PQRS का दुगना है, जो ये बताता है कि कुल अणुओं की संख्या। ठीक है, यानी कि इस आलेख से क्या पता चलता है कि ताप को जब T1 से T2 तक बढ़ाया जाता है तो उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है उनकी संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ इस प्रकार ताप में थोड़ी सी वृद्धि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को भी दुगना कर देती है। ठीक है, अब है अपने नेक्स्ट जो फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है वो है प्रेशर। यानी कि विलयन में किसी भी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने के लिए हजारों एटमॉस्फेयर के दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी विलयन में वेग नियतांक पर दाब के प्रभाव की सरलता से व्याख्या करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दाब में वृद्धि अभिक्रिया मिश्रण के आयतन में कमी नहीं करती है। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का जो वेग नियतांक संक्रमण अवस्था निर्माण के साम्य स्थिरांक के समानुपाती होता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के समानुपाती होता है किसी भी अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर दाब के प्रभाव को सामान्य ऊष्मागतिकीय विधियों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, और यही वेग नियतांक पर दाब का प्रभाव भी दर्शाता है। ठीक है, तो यदि क्रियाकारक अणुओं तथा संक्रमण अवस्था के मध्य यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के मध्य साम्य पर वान ठाफ संतापीय इक्वेशन को लागू किया जाए तो -ΔG0=RTln K*, यानी कि ΔG और K* क्या है, संक्रमण अवस्था निर्माण में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और ऊष्मागति के साम्य स्थिरांक है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर पी के सापेक्ष वान ठाफ समतापीय का अवकलन करने पर समीकरण 6.16 प्राप्त होती है, यानी कि ΔG/ΔP एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर -ΔV*RT
डेल एल एन के स्टार अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ जहाँ डेल्टा वी स्टार को हम एक्टिव वॉल्यूम कहते हैं और ये संपूर्ण तंत्र के क्रियाकारकों द्वारा संक्रमण अवस्था निर्माण यानी कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन में आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि डेल जी अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर वॉल्यूम। अतः सक्रिय आयतन जो है यानी कि एक्टिव वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चूँकि एक्टिव वॉल्यूम दाब पर निर्भर नहीं करता है इसलिए समीकरण 6.16 से 6.17 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एल एन के स्टार बराबर माइनस पी डेल्टा वी स्टार अपॉन आर टी प्लस कॉन्स्टेंट। चूँकि वेग नियतांक जो है वो साम्य स्थिरांक के समानुपाती होता है अर्थात केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल के स्टार, जहाँ प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल एम, यानी कि एल एन के बराबर एल एन के स्टार प्लस एल एन एम। तो समीकरण 6.17 एवं 6.18 से समीकरण 6.19 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एल एन के बराबर माइनस पी डेल्टा वी स्टार अपॉन आर टी प्लस सी, जहाँ सी क्या है कॉन्स्टेंट है और यह 6.17 व 6.18 के स्थिरांकों का योग, यानी कि कैपिटल सी बराबर कांस्टेंट प्लस एल एन एम, दोनों कांस्टेंट का योग हो गया कैपिटल सी। यदि के नोट शून्य दाब पर वेग नियतांक हो तो समीकरण 6.19 से सी बराबर क्या हो जाएगा एल एन के नोट। तो समीकरण 6.19 को समीकरण 6.20 में लिखेंगे तो एल एन स्मॉल के बराबर एल एन के नोट माइनस पी डेल्टा वी स्टार अपॉन आर टी, यानी कि किसी भी असंपीड्य तंत्र में वेग नियतांक का लोग लगाए गए दाब के साथ रेखीय रूप से बदलता है, ठीक है। समीकरण 6.20 से पुनः समीकरण 6.21 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एल एन स्मॉल के अपॉन के नोट बराबर माइनस पी डेल्टा वी स्टार अपॉन आर टी, यानी कि एल एन के अपॉन के नोट एवं पी के मध्य ग्राफ खींचने पर केंद्र से गुजरती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है, परंतु प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया पर दाब के प्रभाव को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यदि डेल्टा वी स्टार नेगेटिव हो तो दाब लगाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, यदि डेल्टा वी स्टार का मान कम है तब दाब का वेग पर प्रभाव कम होगा, और यदि डेल्टा वी स्टार का मान धनात्मक है तब दाब लगाने से वेग कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपके इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक का प्रभाव, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाएं जो गैसीय अवस्था में संपन्न नहीं होती है, उदाहरणार्थ एथिल आयोडाइड एवं ट्राईएथिल एमीन द्वारा क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण, तो उनमें क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को स्थायी बनाने हेतु सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, और आयनकारी सॉल्वेंट के गुण जो है उत्पाद के समान होने चाहिए तथा आयनकारी विलायक ऐसी अभिक्रिया के पक्ष में होता है, ठीक है। तो विलायक की अध्रुवीय प्रकृति यानी कि नॉन पोलर नेचर से जैसे हेक्सेन और पोलर नेचर जैसे नाइट्रोबेंजीन में बदलने से वेग नियतांक के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि सॉल्वेंट की पोलारिटी पर भी वेग नियतांक डिपेंड करता है। इन सभी विलायकों के लिए जो है आवृत्ति गुणांक के मान जो है 10^4 से 10^5 डेसीमीटर क्यूब मोल सेकेंड इन्वर्स की कोटि के होते हैं, ठीक है, जो कि 10^11 डेसीमीटर क्यूब मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स से बहुत कम है, जो कि टक्कर सिद्धांत से प्राप्त होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर के इन निम्न मान को हम विशिष्ट विलायक प्रभाव द्वारा समझाते हैं, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाएँ जैसे आयनों के मध्य विलायक एवं विलेय के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल गति के व्यवहार पर अच्छा प्रभाव डालती है, तो इन अभिक्रियाओं को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन बलों को उच्च ध्रुवीय अणुओं अथवा ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें उच्च ध्रुवीय सक्रिय संकुल बनता है में महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। हालांकि अन्य कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब जो है आपके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपके इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कुछ अभिक्रियाएं
प्रकाश के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है। रिएक्टेंट के जो अणु होते हैं वो प्रकाश का एक क्वांटा एब्जॉर्ब करते हैं और अत्यंत उच्च ऊर्जा का अणु बना लेते हैं, अतः जो अभिक्रियाएं कमरे के ताप पर संपन्न नहीं हो पाती वे प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। वास्तव में जो दृश्य प्रकाश जो कि प्रकाश रसायन इनके फोटोकेमिस्ट्री में प्रयुक्त होता है और पराबैंगनी अथवा उच्च ऊर्जा में प्रयुक्त होता है कि विकिरण रसायन में विवेचना करते हैं, ठीक है। परंतु दोनों ही परिस्थितियों में क्रियाशील मुक्तमूलक बनते हैं, इनकी एक्टिव फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। कई बार ये भी देखते हैं कि कोई भी अभिकर्मक दृश्य अथवा पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है परंतु कोई तीसरा पदार्थ ही प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। तो जो अभिक्रिया में मिलाया गया है ये तीसरे पदार्थ द्वारा अवशोषित प्रकाश किसी भी एक अभिकर्मक को दे दिया जाता है अथवा संचरित कर दिया जाता है और अभिक्रिया आगे प्रोसीड होती है। ये अभिक्रियाएं कहलाती है फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन और ये पदार्थ जो है वो कहलाता है फोटोसेंसिटाइज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार प्रकाश अभिक्रियाओं यानी कि लाइट रिएक्शंस के वेग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः जो फोटो इंड्यूस्ड रिएक्शंस को सदैव एक काले पेंट किए हुए बर्तन में कराना चाहिए ताकि क्या वो जो प्रकाश का प्रभाव है वो नष्ट हो जाए, ठीक है। फिर है आपके आपके माध्यम की प्रकृति। तो आयनिक जो क्रियाकारक या ध्रुवीय क्रियाकारक जो है वो ध्रुवीय विलायकों में तेज गति से अभिक्रिया करते हैं जबकि अध्रुवीय विलायकों में इस प्रकार के क्रियाकारक मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी अभिक्रिया का जो वेग है वो बहुत कुछ माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है क्योंकि माध्यम की अभिक्रिया करने वाली स्पीशीज़ की सक्रियता को प्रभावित करता है, यानी कि माध्यम के गुण यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ है इसी प्रकार से डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो जैसे परोक्सीडाइड सल्फेट आयोडाइड की जो रिएक्शन है वो माध्यम के आयनिक सामर्थ्य बढ़ाने पर अभिक्रिया का रेट बढ़ता है। जो नेक्स्ट फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला वो है माध्यम की पीएच। तो जो अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है वो साधारणतया माध्यम की पीएच पर निर्भर करती है। तो धातु आयन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग जो होता है वो नॉर्मली हाइड्रोजन आयन के कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपके कैटलिस्ट या इनिबिटर की प्रेजेंस। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये भी पदार्थ होते हैं जिनको यदि किसी रिएक्शन मिक्सचर में मिला दिया जाए तो वे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं परंतु स्वयं कैसे रहते हैं अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं उन्हें हम इनिबिटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि KClO3 के साथ बहुत कम मात्रा में जब MnO2 को मिला दिया जाता है तो अपेक्षाकृत कम ताप पर KClO3 के अपघटन के जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तथा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में बनने लग जाती है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग को जब प्लेटिनम से कैटलाइज करवाया जाता है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके विपरीत जब इनहिबिटर जो है वो अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले क्रियाशील जो आपके मीडिएटर्स बनते हैं या हम बोले इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो से क्रिया करके ये अभिक्रिया को वेग को कम कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके एल्किल एमाइड जो है अगर उपस्थित हो तो यह ऑक्सीडाइसल्फेट की अभिक्रियाओं यानी कि सल्फेट क्रियाशील पदार्थ से क्रिया करते हैं और वेग को कम कर देते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया अन्य दूसरी प्रकार से संपन्न होने का कारण अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर जो है आपके नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी कि कुछ जो हेट्रोजीनस रिएक्शंस होती है उनमें जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारक की सतह के संपर्क में आने पर निर्भर करता है। तो ऐसे अभिक्रिया का जो वेग है वो सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अतः अभिकारक के कणों का जितना आकार छोटा होगा यानी कि जितना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होता है रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक ब्रीफली यहाँ मैं नॉलेज देना चाहूँगी कि अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी अणुओं के
प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि रिएक्टेंट के जो अणु होते हैं वो प्रति सेकंड जो टक्कर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी, उस पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन से HI बनता है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के कोलिजन की संख्या को अगर दुगने कर दिया जाए तो वेग भी दुगना हो जाता है। तो इस प्रकार अधिक अणुओं के कंसंट्रेशन लेने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर है आपके नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध तो टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच के बंध टूटते चले जाते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए नए बंध बनते चले जाते हैं। इसलिए अभिक्रिया का जो वेग है वो उसमें उपस्थित बंध विशेष अर्थात अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि अभिकारक जो है वो आयनिक या फ्री रेडिकल नेचर के हैं तो अभिक्रिया तेज़ी से होती है। ठीक है, जैसे Ag+ और क्लोराइड आयन की रिएक्शन से AgCl का प्रेसिपिटेट फटाफट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो आणविक अभिक्रियाएं हैं वो मंद गति से होती है, और आणविक अभिक्रियाओं में भी क्रियाकारक की स्वयं की प्रकृति अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे एसिडिक कैमेनोफोर का गुलाबी विलयन फेरस सल्फेट द्वारा फटाफट से कलरलेस हो जाता है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड द्वारा ये धीरे धीरे कलरलेस होता है और विलयन को थोड़ा गर्म भी करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में मंद गति से होती है। इस प्रकार से ये देखा गया है कि जो कार्बनिक यौगिकों की जो रिएक्शंस होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन से जो है थोड़ी अधिक वेग वाली होती है। ओके।